सुकरात अपनी दरसगाह में बैठा हुआ था। एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 35 साल थी वो अंदर दाखिल हुआ और बात करने की इजाजत मांगी। मैं इस इलाके में रहने की नीयत से आया हूं। मेरी ख्वाहिश है कि किसी ऐसी जगह पर अपना घर बनाऊं जहां के रहने वाले लोग अच्छे हों, प्यार मोहब्बत करने वाले, एक दूसरे का ख्याल रखने वाले हों। आप प्लीज मुझे बताएं कि यहां के रहने वाले लोग कैसे हैं। तुम जिस गांव से, जिस इलाके से आए हो, मुझे वहां के लोगों के बारे में बताओ, वो कैसे हैं? सुकरात ने उससे सवाल किया। वहां के रहने वाले लोग तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं, बड़े झगड़ालू, मतलबी और धोखेबाज हैं, इसीलिए तो मैं वो इलाका छोड़ना चाहता हूं। सुकरात ने उसकी बात तवज्जो से सुनी। मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि यहां के रहने वाले लोग भी बिल्कुल वैसे ही हैं, सुकरात ने जवाब दिया। कुछ दिनों के बाद एक और आदमी सुकरात से मिलने आया और उस इलाके के लोगों के बारे में पूछा कि वो कैसे हैं। सुकरात ने उससे भी वही सवाल किया कि जिस इलाके से तुम आए हो वहां के रहने वाले लोग कैसे हैं। वो लोग तो बड़े ही अच्छे हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की इज्जत एहतराम करते हैं, उस आदमी ने जवाब दिया। इस इलाके के लोग भी बिल्कुल वैसे ही हैं, मिलनसार, खुश इखलाक और एक दूसरे का ख्याल रखने वाले, सुकरात ने जवाब दिया। दोस्तों, ये दुनिया आपको वैसे ही दिखेगी जिस नजर से आप इसको देखेंगे। अगर आप इसमें मोहब्बत देखेंगे, प्यार देखेंगे, खुशी देखेंगे, खूबसूरती देखेंगे, तो ये दुनिया आपको खूबसूरत ही नजर आएगी। ये आपके रहने के लिए एक खूबसूरत जगह बन जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों की बुराइयों पर नजर रखेंगे, उनके मनफी पहलुओं पर फोकस करेंगे, तो ये दुनिया आपके रहने के लिए एक बुरी जगह बन जाएगी। हमेशा ये बात याद रखें, अगर आप अच्छे हैं तो सारा जहान ही आपके लिए अच्छा है। अगर आप अच्छे गुमान, अच्छी उम्मीदें रखेंगे, तो ये दुनिया आपके लिए अच्छी हो जाएगी। अगर आप लोगों से, इस दुनिया से प्यार करेंगे, तो ये दुनिया आपसे प्यार करेगी। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो। Thanks for watching. Please like this video and don't forget to subscribe my channel.